टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। चलो भाई ये ले। वैसे उस्ताद एक बात बताओ, अब होगा क्या? खालू ने तो तुम्हें फतवा ही दिया है। हाँ यार, सलीम ने बहुत बुरा किया है। खालू के साथ हाँ में हाँ मिला दिया था। एक बात बोलूं, अब जो कोई सब्जी काटने का त्योहार आए ना तो तुम सलीम को फतवा देना। अब एक बाल क्या हाल है? क्या रे? बड़ा खुश नजर आ रहा है। तू चुप कर जा, मुझसे बात मत कर, समझा? हाँ, तेरे पास कहाँ टाइम है हमसे बात करने का भाई? खालू ने तुझे बड़ा टाइट मसरूफ किया हुआ है। हाँ तो तू भी तो खालू का ही साथ दे रहा था ना, भूल गया? आस्तीन का लाल बेग। आस्तीन के सांप होता उस्ताद, लाल बेग नहीं। अरे सांप से डर लगता है मुझे, और आस्तीन में सांप पकड़ोगे क्या? अबे बात सुन और बात समझ, अगर मैं उनका साथ ना देता तो क्या वो तुझे बख्श देते? नहीं। तो फिर खुद बता, मेरा क्या कसूर? हाँ यार, खालू ने तो हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा। पहले तो हम फिर भी अपनी वालियों से चुप चुप के मिल लिया करते थे, लेकिन अब तो सारा सारा दिन जानवर ही काटते रह जाएंगे। हम लोग क्यों भाई, अबे सिर्फ तू काटेगा। हैं? तू क्यों नहीं है? तू तो मेरा शागिर्द है ना। भाई किसने बोला मैं तेरा शागिर्द हूँ? कभी किसी सब्जी वाले को बछिया काटते देखा है? सलीम देख ले, तू मेरे को मुसीबत में अकेला छोड़ दिया है। अबे तो क्या तीन दिन तक गाय भैंसे काटता फिरूंगा? हकीम चिश्ती की और मामू मुइन की। चल निकल यहाँ से, जा। फिर आया क्यों यहाँ पे? चल जा यहाँ से। अबे यहाँ जा रहे हैं हम तो जा रहे हैं अपनी शबनम को लेके बाबू ईद पे घूमने। तू मसरूफ रहे खालू के साथ। वैसे उस्ताद तुम कहो तो मैं सलीम को फंसवा दूं। कैसे फंसवाएगा? क्या खालू से जाके बोल दूंगा तुम्हारी बेटी शबनम के साथ चक्कर चल रहा है इसका? अबे पागल हो गया क्या, मरवाएगा मेरे को? अगर खालू को इसके बारे में पता चल गया ना तो ये सब कुछ जाके है ना खालू को बता देगा मेरे और सलमा के बारे में। रहने दे, रहने दे भाई, अब तो जो होना होगा अब वही होगा। खैरान। कौन? साबिर अली। हाँ। बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला, आ जाओ, आओ आओ बिस्मिल्ला। चाय बनाती हूँ आपके लिए, है चाय? इन बातों को छोड़, ये बता तूने किराया क्यों नहीं भेजा अभी तक? आपने मांगा जो नहीं। मैं तुझे भीख मंगा नजर आता हूँ, फकीर नहीं? मैं फकीर नहीं तो नहीं हूँ, तो बेवा औरत हूँ। एक आध महीने का किराया माफ कर दिया करो। तेरा बेटा बाहर है, अगर अंदर होता ना तो माफ कर देता। हैं? अंदर करवा दूँ? किस कसम की माँ है, कुर्ब कयामत है, एक महीने का किराया बचाने के लिए तू अपने बेटों को अपने हाथ से बंद करवाना चाहती है? डूब मर तू। मैं कहता हूँ किराया मुझे दे दे, किराया दे दे, वरना तेरा सामान उठा के मैं बाहर फेंक दूंगा। बेवा औरत हूँ, ऐसी पड़ी रहती हूँ, क्यों उठा के फेंकोगे, पड़ा रहने दो। हाँ तो बेवा औरत को पड़े पड़े ये ख्याल नहीं आता कि बेवा औरत को किराया भी देना है? आता है, इसी ख्याल से तो दम निकलता है कि महीना सर पे आ जाता है और किराया देना पड़ता है। तस्वे मत बहा, किराया निकाल, किराया दे रही हूँ, ये देखो किराया। जैसे ही आवाज सुनी मैं हाथ में ले आई थी किराया, ये लो। इधर ला, बेटा बाहर है, घर में पैसे हैं, अंटी में रखे हुए हैं, लेकिन निकालते हुए जान निकल रही है, जान निकल रही है। एक बात मेरी याद रखना खैर, अगर आइंदा से किराया तूने वक्त पे नहीं पहुंचाया ना तो ये तेरा सामान जो है ना ये मैं खुद उठा के फेंकूंगा। साबिर अली मेरा नाम है, साबिर अली, ये याद रखना। अच्छा खालू, अच्छा जी। ला। क्या हुआ? दर्द, दर्द। इससे कुछ नहीं होगा,
किराया तुझे पहली के पहली को देना होगा, समझी? हाँ हाँ हाँ, जाओ, अल्लाह ले जाए तुम्हें, ले जाए तुम्हें अल्लाह, ले जाए तुम्हें। खाला खैरन से किराया मांगने आया है। अरे यही किराया देते हुए तो मेरा दम निकलता है। मैं भी ऐसी कोई तकलीफ सोचूंगी कि इंशाल्लाह तुम किराया ही नहीं मांगोगे मुझसे। खाला खैरन जो कहती है वो करती भी है। बहू बहू बहू, बात सुन, बाहर कोई है तो नहीं ना? कुत्ते हैं। कुत्ते? मेरा मतलब है वो तो मुझे भी पता है। अच्छा खैर ये बता कि वो ईद पे पास में एक मेला लग रहा है, तू चलेगी मेरे साथ मेले में? चलेगी मेरे साथ मेले में? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पाको पता चल गया मेरा दम निकाल देंगे। अबे खालू की छोड़ दे, उनका तो ऐसा राज मेरे हाथ लगा है, खालू का अपना दम निकल जाएगा। वो क्या? वो खालू की ना सेटिंग चल रही है माला से फुल टाइम। बकवास ना कर तू। कसम से, अबे मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, दोनों बातें कर रहे थे और वो अपने खालू से थोड़े जज्बाती भी हो रहे थे। नहीं नहीं, ऐसे ही कोई बात कर रहे होंगे वो। अच्छा तू छोड़, मैं क्या बोल रहा था कि खालू को ना पुलान मेल करते हैं और दोनों मेले पे चलते हैं। पागल, बुलान मेल नहीं होता, ब्लैक मेल होता है। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है, मैं तो देख रहा था कि तुझे पता है कि नहीं पता। अच्छा सुन, अब्बा को तो ब्लैक मेल करने के बारे में सोचना भी ना। अब्बा को कोई ब्लैक मेल करता है ना, वो उसको बुलान मेल के नीचे डाल देते हैं। अबे क्या कह रही है? बात सुन, तू ये ख्याल तो दिल से बिल्कुल निकाल दे। वैसे मेरा भी दिल चाह रहा था तेरे साथ बाहर घूमने को, कोई और तरकीब सोच। और तरकीब सोच? अब और क्या तरकीब सोचूं? इतनी अच्छी गोट पसाई थी खालू की। बात सुन, अब्बा जहाँ रोज जाते हैं ना वहाँ ईद के दिन भी जाएंगे, तो हम एक घंटे के लिए बाहर जा सकते हैं। अबे सिर्फ एक घंटे के लिए? एक घंटे में क्या होगा वो, 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 मेरा मतलब है एक घंटे में तो मज़ा नहीं आएगा, पूरे दिन के लिए चलना। अरे जाहिल, तू इसी पे शुक्र कर, ये भी मैं अपनी जान पे खेल के करूँगी, सनमा और शबनम को बेवकूफ़ बना के निकलूँगी मैं। अच्छा क्या कहेगी वैसे तुमसे? ये तो तू मुझ पे छोड़ दे, बस तू एक बात का ख्याल रखना, ईद के दिन अब्बा जैसे घर से निकले ना तू फौरन से आ जाना, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, कोने पे रहना, शबनम और सलमा की तुझ पे नजर ना पड़े। हाँ हाँ तू फिक्र नहीं कर, तुझे तो पता है मेरा। बाँ बाँ। और सुन, तू मुझे ना एक घंटे के अंदर अंदर वापस छोड़ देना। वैसे दिल तो नहीं करेगा मेरा, लेकिन चल तू कहती है तो छोड़ दूंगा, ठीक है? अब तू जा। आइयो जरूर मेले में है। देख अब्बा बैठे, देख हिम्मत करके खुदा के लिए जाओ ना, बात कर, कहना कि वो बकरीद पर है ना कसाई मिलना कितना मुश्किल काम है, अब्बा जो है ना बस वो इकबाल से बकरा कटवाएं, ठीक है ना? देख मेरी बहन हिम्मत कर ले, जा बोल ना, जाओ जाओ ना जाओ। अब्बा क्या अब्बा लगा रखी है? इस ईद पे इकबाल कसाई को जिबा कर दीजिएगा। क्या बक रही है तू? मेरा मतलब अब्बा बकरा। क्या बक क्या रही है तू? बकरी नहीं अब्बा, बकरा, बकरा इकबाल का सही से कटवाइएगा, वो गोश्त बहुत अच्छा काटता है। गला काट दूंगा तेरा, तुझे कैसे पता कि वो अच्छा गोश्त काटता है? वो जो आप गोश्त लाए थे ना 3 दिन पहले, वो बहुत अच्छा कटा हुआ था। इस दफा तो मैंने उसको काटा है। आपके पास तो छुरी नहीं होती अब्बा, क्या दांत से काट लिया? बेटी होने का नाजायज फायदा उठा रही है तू। ठीक है अब्बा, वो बकरा कब लाएंगे? कौन सा बकरा? कोई बकरा वकरा नहीं लाऊंगा मैं,
और अगर लाऊंगा भी तो इकबाल से नहीं कटवाऊंगा। समझ में आई बात? जितनी देर वो बकरा काटने में लगाएगा इतनी देर में वो मुझे 500 रुपए कमा के देगा। एक बात याद रखना, 6 गाय 2 बछिया और 7 बकरों का ऑर्डर मिला है इस बकरे ईद पे मुझे, और अभी बुकिंग जारी है, सब उसी से कटवाऊंगा। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लेना तुम सब लोग, ये सलमा और नाजिया को भी बता देना, समझे, कि पूरा दिन मैं इकबाल कसाई के साथ बैठूंगा जानवर ज़बह होते हुए। तुम तीनों घर के अंदर बैठना और तुम तीनों की आवाज़ बाहर ना आए, गाड़ दूंगा, साबिर अली नाम है मेरा, समझे। चलो जाओ यहाँ से। अब्बा वो बक 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 कर, चल यहाँ से निकल। हाँ तूने कोई तरकीब सोची मुझे घुमाने की? तरकीब तो नहीं सोची, लेकिन दिल बड़ा कर रहा तुझे ले जाने के लिए। वो क्यों? यहाँ करीब ही एक मेला लगा है, मैं तुझे मेला दिखाना चाह रहा हूँ, वहीं तुझे चूड़ियाँ भी दिला दूंगा। मेरे पास एक तरकीब है मेला देखने की। क्या? ईद के दिन अब्बा पूरा दिन घर पर नहीं होंगे, इकबाल कसाई के साथ जा रहे हैं पूरा दिन के लिए, पूरे महल्ले के जानवर ज़िबा करने का ठेका लिया उन्होंने। ओ हाँ, ये तो मुझे भी पता है। चल फिर ऐसा करते हैं, दिन भर के लिए मेले में चलेंगे। नहीं नहीं, दिन भर के लिए नहीं, दिन भर के लिए नहीं जा सकती मैं। तो क्या, खालू तो नहीं होंगे ना? सलमा और नाजिया तो होंगी। हाँ होंगी तो सही, लेकिन उनको बता देना, उनको क्या है, उनको तो पता तो है उनको। हाँ क्यों, ठीक है, उन्हें भी साथ ले लेते हैं। तो फिर एक काम करो, मैं अपने अम्मा अब्बा को भी ले लेता हूँ, खालू को भी साथ ले लेते। तो इतना नाराज क्यों हो रहा है? तू बात ही पागलों वाली कर रही है, मैं तेरे साथ घूमना चाह रहा हूँ, तू पता नहीं किसके साथ लगा रही। अच्छा तो फिर क्या कहूँ मैं उनसे, सलमा नहीं जाने देगी मुझे सारे दिन के लिए। उसमें भी खालू वाली बातें आती जा रही हैं। ए, मेरे अब्बा को कुछ नहीं कहना, जाऊंगी नहीं तो तेरे साथ। हाँ नहीं तो, अरे तो अब्बा के साथ चली जा, जिंदगी में पहली दफा अकेले घूमने का मौका मिल रहा है, तू उस पे भी नखरे दिखा रही है। अच्छा चल भाग जा, मैं कर लूंगी उन दोनों से कुछ ना कुछ माना। ठीक है ठीक है, ईद के दिन सुबह ठेला लेकर आ जाऊंगा खाली। तो क्या ठेले पर लेकर जाएगा मुझे? अरे तू परेशानी मत हो, किसी को पता नहीं चलेगा, तू बस ठेले पर लेट जाइयो, मैं ऊपर से कपड़ा डाल दूंगा और लोग समझेंगे कि सलीम शबनम की मैयत लेके जा रहे। चल अब भाग जा, मैं खुद ही उन दोनों से कोई बात कर लूंगी, और ठेला छोड़ कर आना। आलू लो, टिंडे लो, भिंडी लो, तोरी लो, प्याज लो, आलू सब्जी आला, सब्जी आला। वे इकबाल, अरे सलीम, एक काम कर दूं तेरा जबरदस्त सा। क्या? देख तू ईद पे तो मिल नहीं सकता सलमा से, अभी जाके घर में मिलना चाहता है। अबे क्या कह रहा है? अबे ठीक कह रहा हूँ, खालू घर पे नहीं है। अबे खालू तो रोज ही घर पे नहीं होते, मगर मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? अबे रोज जैसे मैं जाता हूँ। अबे तू तो सब्जी वाला है, अगर मोहल्ले वाले ने मुझे दरवाजे पर खड़ा देख लिया ना तो खालू को बता देंगे। नहीं नहीं, अबे कैसे आ जाएंगे खालू? अबे अगर खालू आ भी गए तो मैं गली के नुक्कड़ पे खड़ा हूँगा ना, मैं तुझे इशारा कर दूंगा। अबे हाँ ये ठीक है, जैसे ही तू इशारा करेगा ना मैं ठेला छोड़ के भाग लूंगा। अबे ठेला छोड़ के भाग लेगा तू? हाँ। अबे ठेला साथ लेके भागियो, एहसान फरामोश, जो ठेला तुझ पे एहसान कर रहा है उसी को छोड़ के भाग रहा है तू। अबे तो मुझे ठेला उठा के भागना नहीं आता, और जब तक मैं ठेला उठाऊंगा ना तो खालू सर पर आकर पहुंच जाएंगे। फिर एक काम कर भाई, जैसे खालू आएंगे ना मैं भाग के ठेले के पास पहुंच जाऊंगा, तू भाग लीजिए वहां से, अब ठीक है? हाँ ये ठीक है, चल अब तू निकल ले। हाँ हाँ मैं निकल लूँ? हाँ। अच्छा बड़ी बात है, बात सुन भाई, इस कपड़े के बगैर ये काम पूरा नहीं होता, ये रख लो, उसके बाद कहो निकल ले। निकल लो? हाँ निकल ले, निकलो अब बेटा। हाँ भाई 2 किलो आलू ले लो।
टमाटर भी ले लो, चाप के साथ पका लियो। ए सब्जी ले लो, ए सब्जी, ये पहली दफा बेच रहा हूँ। क्या ये? हाँ, लाल लाल टमाटर जैसे कलेजी ले लो, और कलेजी जैसे लाल टमाटर ले लो। ए सब्जी ले लो, ए सब्जी, और सब्जी वाला। ये तो सलीम की आवाज नहीं लग रही, लेकिन वो तो अभी शबनम से मिलके गया, फिर आ गया। हाय अल्लाह, वो बेचारी पीछे झाड़ू दे रही है। जाना उसको जाके बता कर आ जाओ, उसे पता ही नहीं है। ओहो, अच्छा मैं बता क्या। ये पहली दफा बेच रही हूँ। अरे सब्जी ले लो, अबे गुर्दे जैसे एक बैंगन ले लो। लेकिन ये आवाज सलीम की तो नहीं लग रही। हाँ, ये वाकई सलीम की आवाज नहीं है, तो फिर किसकी आवाज है? अरे जरा जल्दी आ जाओ, पहली दफा बेच रही हूँ। अरे भाई, अरे कोई है? अरे सब्जी ले लियो। हाय अल्लाह, ये तो मेरे बाल की आवाज है। लेकिन एक बाल सब्जी, तू मेरा क्या मुंह देख रही है? जा अपना काम कर। अरे सब्जी ले लो, अरे पहली दफा बेच रही हूँ मैं। अरे ले लो सब्जी। हाय अल्लाह, इकबाल तू ये सब्जी कब से बेचने लग गया? तेरे लिए बेच रहा हूँ, सलीम का ठेला है, तुझसे मिलने आया हूँ। और वो सलीम कहाँ है? गली के कोने पे खड़ा है, खालू आएंगे तो खबर कर देगा हमें। पैसे कितने दिन बाद देखा है मैंने तुझे। हाँ ठीक कह रही है, मगर अब इस ईद पर मिल नहीं सकते, एक तो तेरे अब्बा ने फंसा दिया है। पता है मुझे, क्यों मानी थी तूने अब्बा की बात? क्या कह रही है, किस में दम है जो खालू की बात से इनकार कर सके? बुजदिलों के साथ ऐसे ही होता है। हैं, तू मुझे बुजदिल कह रही है? अरे मोहल्ले के आधे घरों को खालू धमकी देकर कुर्बानी करवा रही है। हाँ क्या? हाँ तो और क्या, अब मैं तो उनकी धमकी पर सिर्फ जानवर काट रहे हूँ, लोग तो कुर्बानी कर रही हैं। फिर क्या होगा? क्या होगा, कुछ नहीं, बस ईद पर मुलाकात नहीं हो सकेगी तेरे से, इसीलिए तो अभी तुझसे मिलने आया हूँ। अच्छा छोड़, कोई देखेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा, मैं तेरे लिए ताज़ी ताज़ी टमाटर बांध देता हूँ जल्दी से। सब्जी वाला? सब्जी वाला तो ये मुंह छुपा के सब्जी क्यों बेच रहा है? वो मेरा ना मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तेरा मुंह अगर दिखाने के काबिल नहीं है तो ये मुंह लेके घूम क्यों रहा है तू? वो असल में ना थोड़ी देर पहले तक मेरा मुंह दिखाने के काबिल था, पर अब नहीं है। ये हटा जरा। अब अरे ये हटा, चेहरे पे से हटा, कौन है? अब वो हटा। तू यहाँ मेरे घर के दरवाजे के सामने क्या कर रहा है? खालू मैं तो तुम्ही से मिलने आया था। हाँ तू मुझसे मिलने आया था, तो तूने सब्जी बेचने का काम कब से शुरू कर दिया? यही तो बताने आया था खालू कि तुमने पहले दिन के हिसाब से इतने आर्डर पकड़ लिए कि मेरे को टेंशन हो गई। मैंने सोचा ये काम ही छोड़ दूँ। तेरे बाप का राज है क्या जो तू ये काम छोड़ देगा? पहले ठेका पूरा कर ठेका। मगर खालू तुमने तो पहले दिन के हिसाब से 24 जानवर पकड़ लिए, मेरे तो ख्वाब में भी बैल आ गया था। हाँ अच्छा, तेरे ख्वाब में सिर्फ बैल आया था, तो तूने बैल को बोला क्यों नहीं कि ठेका पूरा करना है? नहीं, वो ये थोड़ी कहा था, वो तो बल्कि कह रहा था कि मेरी बारी आते आते रात के 12 ही बज जाएंगे, इकबाल भाई जरा मेरे को जल्दी फारिग कर दियो। तुझे अगर पेशा बदलना है बेशक बदल ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये मेरा ठेका पूरा करने के बाद।
फिर खालू एक काम कर लियो, वो 24 जानवरों की ना एक टीम बना लियो, रोजाना एक टीम जिबा कर देंगे। हाँ, दूसरे दिन के 27 और तीसरे दिन के 32 जानवर तेरा बाप काटेगा क्या? ये क्या कह रहे हो खालू, इतने ऑर्डर कहाँ से पकड़ दियो? अबे शुक्र कर, अभी तो सिर्फ 10 मोहल्लों तक पहुँच सका हूँ मैं, सेहत इतनी इजाज़त नहीं दे रही है, वरना 30-35 मोहल्ले तो यूं रखे हुए थे। अरे खालू खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दो, इतने आगे मत जाओ। साबिर अली कहाँ तक जा सकता है इसका तुझे अंदाज़ा नहीं है, समझा? ये अपनी सड़ी हुई सब्जियाँ और ठेला लेके शक्ल गुम कर यहाँ से, समझा? खाल खींच दूंगा इंदा नज़र आया यहाँ पे। चल 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 चल। अबे सलीम, अबे सलीम, अब्बा। हाँ। वो मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मैं कल हकीम चिश्ती के यहाँ से जाके दवा ले आऊँ? हकीम चिश्ती के मेरे बाप का रिश्तेदार है जो कल ईद के दिन मतलब खोलेगा। तो अब्बा मैं उसके घर जाके ले आती हूँ, तबीयत बहुत खराब हो रही है अब्बा। 3 दिन तक तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, इकबाल के साथ कुर्बानी की निगरानी करनी है मुझे। तो अब्बा आप बोले तो मैं अकेले जाके ले आऊँ? क्या कहा तूने? 3 दिन बर्दाश्त नहीं होगा अब्बा, तबीयत बहुत खराब है। शबनम को ले जाना साथ में। नहीं नहीं अब्बा, शबनम बहुत तंग करती है। कोई तंग नहीं करेगा। शबनम, शबनम, ये इसको ले जाना, नाजिया को, हकीम चिश्ती को दिखा देना, दवा ले लेना। भाई अब्बा मैं नहीं जा सकती इसके साथ। क्या तुम दोनों पागल हो गए क्या? क्यों नहीं जा सकती? भाई ये बहुत तेज चलती है, मुझे भागना पड़ता है। देखा अब्बा, मैंने तो पहले ही बोला था ये कितना तंग करती है, तो मैं अकेले। खबरदार, बस अब ये लफ्ज ना निकले तेरे मुंह से। अपने दिल पे पत्थर रख के तुझे सिर्फ इजाजत इसलिए दे रहा हूं कि तू बीमार है, वरना साबिर अली ये तेरी खांसी क्यों बंद हो गई है? वो अबा आपके खौफ से। सलमा, सलमा, ये एक दफा आवाज देने में क्यों नहीं आती है तू? ये सुनो, ये इसके साथ चले जाना हकीम चिश्ती, कमाए इसको दिला देना दवाई। जी अब्बा, ठीक है। सीधी तरह जाना, सीधी तरह आना, चेहरे पे नकाब लेना, अगर चेहरे से नकाब हटा और मुझे भिनक पड़ गई तो याद रखना खाल खींच दूंगा खाल। वो अब्बा मेरे बुरके का नकाब बहुत मोटा है, मैं किसी गटर वटर में गिर जाऊंगी। गिर जाना गटर में, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तेरा नकाब हटा तो ये नकाब की जगह गले में यही नकाब फंदा बना के डाल दूंगा, समझी? चल जाओ यहां से। शबनम जी, बात सुन जी, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में शायद देर लगेगी, ये दोनों को बोलना चिश्ती के वहाँ से जल्दी आ जाएं। ठीक है अब्बा। ये तुझे इतनी खुशी किस बात की हो रही है? कुछ नहीं अब्बा। सुन, ये दोनों जब जाएंगी तो तू घर में अकेली होगी, कुंडी लगा के चुपचाप बैठी रहना, दरवाज़ा मत खोलना। ठीक है अब्बा। अब्बा इन दोनों के लिए भी ना खोलूं? मत खोलना। ठीक है, रहने देना इनको सड़क पे बाहर। ये ठीक है। बेवकूफ की बच्ची, किसने कह दिया तुझसे कि इनके लिए दरवाजा हो? सिर्फ अपनी बहनों के लिए दरवाजा खोलना, समझी? अब्बा तो फिर किसी के लिए भी दरवाजा खोल दूं? अब अगर तूने कुछ बोला ना तो मैं तेरा सर खोल दूंगा, समझी? जितना कहा है उतना करना। अब्बा ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं आप, क्यों जा रहे हैं? मुझे जाना है ये कुर्बानी के नंबर देने के लिए सारे मोहल्ले में, समझ में आई बात? और मुझे देर हो सकती है, देर होगी मैं इकबाल की तरफ वहीं से चला जाऊंगा। अब्बा मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्यों जा रहे हैं आप, सारा काम तो इकबाल करेगा ना, आप खामखा थक जाएंगे, आप आराम करें घर में आराम से। मामला पैसों का है,
और पैसे के मामले पे उस कसाई पे भरोसा नहीं कर सकता मैं। हैरत है तुम दोनों का आज हुआ क्या है? वहां शबनम इतनी शौक से तैयार हो रही है कि बस हैं? उसे कहाँ जाना है? कहीं नहीं जा रही, वो तैयार ऐसे हो रही जैसे किसी की बारात में जा रही हो। हाँ वो तो पागल है, खुद ही तैयार होकर बैठ जाएगी, जाना माना कहीं नहीं है, उसे किसने देखना है? और तुझे कौन देखेगा हीरोइन? ये जो तूने तैयारी की हुई है ना, बुरके में बंद हो जाएगी, चल बुरका पहन। अच्छा आपा, वो मैं ये कह रही थी कि आप अगर मेरे साथ ना चलें तो। क्यों, मैं क्यों ना जाऊँ? नहीं वो मैं इसलिए कह रही थी ना कि आप इतनी थकी हुई लग रही हैं, आराम कर लेंगी थोड़ा सा। चक्कर क्या है? अरे कुछ भी नहीं आपा, मैं तो इसलिए कह रही थी कि आपके काम का हर्ज होगा। ओहो तुझे मेरे काम की फिक्र कब से होने लगी, चल बुरका पहन वरना जाने नहीं दूंगी तुझे बगैर बुरके के। आप ना सलमा है, अब्बा नहीं। अब्बा की गैर मौजूदगी में मैं ही अब्बा हूँ, समझी? अब्बा निकलने कहाँ देते हैं, आपको तो पता है, इसीलिए इतने दिनों बाद मौका मिला है तो अकेले जाने का दिल चाह रहा था, प्लीज़ ना। चल ठीक है, लेकिन एक बात गौर से सुन, सीधी जा और सीधी आना, ठीक है? हाँ बाँ बाँ। ठीक है। ये कौन मनहूस कुत्ता है जो हमारे दरवाजे पे भौंक रहा है? हर कुत्ता मनहूस नहीं होता आपा, कितनी प्यारी तो आवाज़ है बेचारे की। तो बहुत ही कुत्ता है ये, अभी पत्थर मार के आऊंगी भौंकना ही भूल जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो मैं जा रही हूँ ना, मैं मार दूंगी, आप टेंशन मत लें, ठीक है? तू कहाँ ऐसे जा रही है, चल नकाब पहन और देख अगर नकाब उतरा ना तो तेरी खैर नहीं है, समझ गई ना? हाँ चल शाबाश, बुरका पहन के जा। हाँ बुरका पहन, सब देख रही हूँ पीछे से। हाँ अच्छा बात सुन। हाँ बोल। वैसे ना आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा हाँ, हम मेला वाकई बहुत अच्छा है। पागल, मेला नहीं, मुझे ना तेरे साथ यहाँ आज बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा मुझे भी। अच्छा गोलगप्पे खाएगी? अगर तू खिलाएगा तो जरूर खाऊंगी। अरे क्या बात करती तूने, गोलगप्पे क्या, आज तो मैं तुझे पूरा मेला खिला सकता हूँ। 3 साल की जमा पूंजी गुल्लक तोड़ के तेरे लिए लाया हूँ। सच्ची? हाँ हाँ आजा गोलगप्पे, आजा आजा। क्या करूं कैसे निकलूं? बता देती हूँ ना शब्बो ना। शबो बहुत देर हो गई, नाजी अब तक नहीं आई है। हाँ मैं देख कर आऊँ। पागल हो गई है क्या, मैं देख कर आऊँ? तो मैं भी बड़ी बहन हूँ, मुझे फिक्र हो रही थी ना उसकी, काफ़ी देर हो गई उसको गए हुए। हाँ वैसे मैं भी यही सोच रही थी, देर तो हो गई है, लेकिन वो मतलब नहीं गई जो नंबर आने में देर लगेगी, हकीम साहब के घर गई है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। तो ना मैं उसे देख के आ जाती हूँ, 2 मिनट में आ जाऊँगी भाग भाग के। नहीं नहीं तू अकेले नहीं जाएगी, चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। अब अरे अरे खाना जल जाएगा। हैं? खाना भी चढ़ाया नहीं है, जल कैसे जाएगा? तो जल्दी से चढ़ाओ ना, मुझे बहुत भूख लग रही है, इतनी देर में मैं नाजिया को भी ले आऊँगी। मैंने कहा है ना कि तू अकेले नहीं जाएगी, समझी? अकेली से क्या होता है, क्या मैं डरती हूँ किसी से? और जब नाजिया अकेली जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती, बड़ी हूँ मैं उससे। बावली भी है तू, कोई भी तुझे बेवकूफ़ बना लेगा। कोई बावली वावली नहीं हूँ मैं, अकेले जाने दो ना, मेरा भी दिल चाह रहा है अकेले जाने का। हैं?
कमाल है, आज सबका अकेले बाहर जाने को दिल क्यों चाह रहा है? अच्छा चल ठीक है जा, लेकिन सीधी हकीम चिश्ती के घर जाना और नाजिया को अपने साथ लेकर आना, समझी? ओए सलमा तू कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। अच्छा बात सुन, बगैर बुरके के नहीं जाना और नकाब लगा के जाना, वरना तेरी खैर नहीं है, समझी? मैं तो खुशी में भूल ही गई थी। कहाँ रह गई थी? सुबह से धूप में खड़े खड़े सूख गया मैं। इतना आसान नहीं था घर से आना, जान पर खेल कर आई हूँ। अच्छा सुन जल्दी चल, रिक्शे ने 70 रुपए तो यही बना दिए, मेले तक जाते जाते कितने बनाएगा भाई? लंबी चट्टी पड़वाई तूने। 70 रुपए से दम निकल रहा है तेरा, आगे मेले में घुमाने लेके जा रहा खर्चा क्या खाक करेगा? बैठ जा बैठ जा बैठ जा, ओए आवाज ना करियो, आराम से चलो। पहले पिए कभी? क्या अपनी तरह जल समझ रखा है? अच्छा बता क्या आई है? ये वो है ना, वो जिसे पीकर आती है, क्या कहते हैं उसे, डिकार। जाहिल मैं हूँ या तू? ये सोडा वाली बोतल है। हाँ पता है, 3 साल पहले पी थी वो। अब जल्दी कर ले, इतना बड़ा मेला पूरा देखना है, जल्दी पी ले। सही, मेला तो बहुत बड़ा है, रात तक तो देखने आएंगे हम पूरा। अच्छा चल जल्दी आ जा, आ जा। चाट खाएगी? चाट खाएगी? इतना चल चल के तो थक जाऊंगी मैं। चाट खिलाऊं? चाट खा लो, फिर चूड़ियां दिला दे। चूड़ियां ले? हेलो, अब क्या होगा? नाजी अब तक नहीं आई, उस मनुष्य शबनम को भी इसके पीछे भेजा था, लेकिन वो भी नहीं आई अभी तक। क्या होगा अगर अब्बा आ गए तो? आज तो मेरी खैर नहीं है, बकरीद के दिन लगता है अब्बा के हाथों आज मैं जिबाऊंगी। हाय अल्लाह, मुझे लगता है कि आ गई है। अच्छा खोल रही हो ना? हे हाय अल्लाह, मैं मर गई। इकबाल